दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के खेल मैदान में विश्व दिव्यांग दिवस पर चल रहे दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन आज पहला मैच कर्नाटक और झारखंड के बीच खेला गया। कर्नाटक की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उन्होंने फर्स्ट इनिंग खेलते हुए 20 ओवर में झारखंड की टीम को 176 रन का टारगेट दिया, तो वहीं जवाब में झारखंड की टीम ने 20 ओवर में 59 रन पर सभी खिलाड़ी उनके ढेर हो गए। कर्नाटक टीम के जावेद ने अपनी इनिंग में 45 रन बनाकर और बॉलिंग में 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। तीसरे दिन के पहले मैच के मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि निम्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर डॉक्टर विनय सिंह रहे। उन्होंने दोनों टीम का टॉस करवाया और विजेता टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस दौरान दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कंचन शर्मा, उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा और हेमंत गुर्जर मौजूद रहे। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और सभी छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आज मैं पहली बार यहाँ पे आया, अनफॉर्चुनेटली मैं एक दो दिन बाहर पढ़ाने गया था, लेकिन ये निम्स यूनिवर्सिटी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज ये जो क्रिकेट मैच हुए हैं इंटर स्टेट दिव्यांग लोगों का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनके जज्बे को देख के हम लोग को इनसे सीख लेनी चाहिए कि डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी जिस तरह से ये जोश, जिस तरह का इनके अंदर जुनून है क्रिकेट के लिए, तो ये सबके लिए सीखना चाहिए हमें कि जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये सब दिमाग का खेल है। तो डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये लोग इतना बढ़िया खेले एंड कुछ प्लेयर्स तो इतना अच्छा खेल रहे थे कि वो नॉर्मल प्लेयर्स को चैलेंज कर सकते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी हमेशा से कोशिश करती है कि अगर किसी भी अच्छे सोशल कॉज के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला। और अगर आगे भविष्य में, आज तो ये इंटर स्टेट है, अगर इंटर कंट्री या फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी मैचेस होते हैं, तो हम यहाँ पे अपने ग्राउंड को इनके लिए प्रोवाइड कराएंगे और जो भी हमसे बेस्ट हो पाएगा इनके लिए किया जाएगा।